जय श्री विश्वकर्मा भगवान। आइए सुने विश्वकर्मा भगवान का तीसरा अध्याय। ब्रह्म स्तोप्तदा लोका त्वचंत्रता सदा द्वद्वद्वज कथा दुख छुत में मृत्य लो मेर। मनुष्य जाति का पृथ्वी पर आना ही एक नए जीवन और नए इतिहास का प्रतीक था। ब्रह्मा जी की सृष्टि को चलाने के लिए एक राजा की नियुक्ति की। उस धर्मी राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम वैन रखा गया। परंतु जैसे ही वह बड़ा हुआ बहुत पापी और दुराचारी था। प्रजा के साथ उसने प्रभु भक्त ऋषियों मुनियों तक को तंग करने लगा। वैन के बढ़ते पापों को देखकर राजा के मन को बहुत दुख हुआ। यही नहीं उनके चेलों साधु संतों को पाठ और यज्ञ करने से मना कर दिया। सबको आदेश दे दिया इस राज्य में केवल राजा की ही पूजा होनी चाहिए। जो लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनको जान से मार डाला जाएगा। इस प्रकार से पूरे राज्य में धर्म फैल गया। चारों ओर निराशा ही निराशा थी। पाप अत्याचार के सिवा यहाँ कुछ भी न था। धरती पर फैलते अधर्म और पापों को देखकर ऋषियों को बहुत चिंता हुई। धर्म रक्षा के लिए सारे ऋषियों मुनियों जब एक मंच पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने धर्म रक्षा का निर्णय लेते हुए वैन को जान से मारने का फैसला किया। उसी दिन यह कांड शुरू हो गया। वैन को मार डाला गया लेकिन वैन की मृत्यु के पश्चात एक बार फिर से प्रजा में अधर्म फैलने लगा। पाप का जो बीज वैन ने बोया था वो वृक्ष बनकर चारों ओर फैल गया। बढ़ते पापों से जब ऋषि मुनि दुखी हुए तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हमें इन पापों से बचाओ, पापियों से बचाओ। उसी समय धरती पर प्रभु और लक्ष्मी जी ने नर नारी के रूप में जन्म लिया। उन्हें देखते ही ऋषिजन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुरुष का नाम प्रथु रखा। प्रथु को धरती पर प्रभु का अवतार मानकर सभी ऋषियों ब्राह्मणों ने बढ़ते हुए पाप और अधर्म की सारी कहानी सुनाकर कहा, हे प्रभु आप ही धर्म की रक्षा करें। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर प्रभु जी ने उनको वचन दिया कि अब पृथ्वी पर कोई अधर्म न होगा, ना ही कोई पाप होगा, ना पापी रहेगा। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। सूत जी के मुख से शब्द सुनकर सब ऋषिगण बहुत प्रसन्नचित हुए और उनसे बोले, हे महर्षि हमें आप यह भी बताएं कि पृथ्वी जी ने धर्म रक्षा के लिए और क्या क्या किया, और क्या कुछ किया। देखो बंधु, पृथ्वी जी ने सबसे पहले इस धरती पर ईश्वर की आराधना के नए नए साधन तैयार करके स्वयं भी उनकी उपासना में लग गए। उन्होंने सबको आदेश दिया कि धर्म कार्य के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पहले जब आदि नारायण की आज्ञा से आदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो और इसके निर्माण का कार्य आरंभ किया था। उस समय प्रभु ने विराट विश्वकर्मा का रूप धारण करके डगमगाती सृष्टि को स्थिर किया था। उस समय उन्होंने देवताओं को आनंद देने वाले अति प्रिय उत्तम स्वर्ग की रचना की थी। राक्षसों के साथ इंद्र जी के युद्ध के समय उनकी मदद करने गए राजा पृथु जी को उस समय ही सारी बातों की जानकारी मिली थी। और जब पृथ्वी जी धरती को नया स्वरूप देकर अपनी प्रजा के लिए सुखों को सपने देखकर और इसे निर्भय बनाने की बातें सोचने लगे तो उन्हें झट से विश्वकर्मा जी की याद आई। उन्होंने सच्चे मन से भगवान विश्वकर्मा की उपासना की तो वहाँ पर विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। हंस पर विराजमान, एक हाथ में गज, दूसरे हाथ में डोरी, तीसरे हाथ में कमंडल तथा चौथे हाथ में सरस्वती की प्रतीक ज्ञान पुस्तक, तीन नेत्रों वाले मुकुटधारी भगवान विश्वकर्मा ही है, वो हमारी इच्छा करें। राजा प्रथु भगवान विश्वकर्मा को अपने सामने देख इतना प्रसन्न हुए कि खुशी से उनके पांव में गिर पड़ा। हे भगवान आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ। आपने तो इस संसार को जन्म दिया है, आप ही इस धरती को स्थिर करने वाले और देवी देवताओं के महल बनाने वाले हैं। इस पृथ्वी के सारे प्राणियों के प्राणों की रक्षा के लिए धरती से जो बीज उगते हैं, अन्न पैदा होते हैं, वो भी तो आपकी ही कृपा से होता है। हे विश्वकर्मा जी आप तो हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान से युक्त हों तथा सारे लोगों को आप अपने ही सामर्थ्य से धारण करते हो, उनका पालन करते हो। आप ही एकमात्र सबकर्ता तथा सब पर नजर रखने वाले हो। आप ही हो, आपने ही पृथ्वी को जन्म दिया, आप ही प्रजापति हो, आप ही प्रजा की रक्षा करो प्रभु। यह कहते हुए राजा प्रथु और सब ऋषिगण उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री विश्वकर्मा कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री विश्वकर्मा देव भगवान की जय। बोलो विष्णु, बोलो विश्वकर्मा देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।